Give me one person who has come out of this problem of irregular heartbeat or valve issue by taking medicine. Valve to replace कर दिया. अब तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा. But why it happened? Valve का issue आया क्यों? क्या इसका कोई जवाब है? जिन्होंने surgery की जिसका नैरेटिव आप फॉलो कर रहे हैं एलोपैथी का उसकी इनके पास जवाब है कि ये कमजोर क्यों क्या हम पुराने बाल को ठीक कर सकते थे बिल्कुल ठीक कर सकते थे नया वाल क्यों लगा दिया फिर नया वाल इसे लगा क्योंकि दवाई से तो ठीक नहीं होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम अगर आप एक्सपीरियंस में किसी डिजीज को डिफाइन करें एक्सपीरियंस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको यू विल हैव अ मेथड टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम बट ये ग्रीको रोमन शब्द बोल के है ना अरिदमिया बोल दिया हार्ट फ्लटर बोल दिया वाल्व इशू ऐसे नोड इशू बोल दिया एलवीएच बोल दिया लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपेट्रोफी बोल दिया ऐसे करके आज तक सौ साल में तो कोई भी ठीक नहीं हुआ सो एज एन इंटेलिजेंट पीपल एज इंटेलिजेंट पीपल आपको प्रॉब्लम को ना वॉट डिफिकल्टी यू आर गेटिंग उसके टर्म्स में डिफाइन करना चाहिए और उसके बाद आप भी ठीक कर सकते हार्ट का कोई भी इश्यू ठीक हो सकता है बड़ी आसानी से हार्ट सर्जरी किसी भी तरीके का हार्ट सर्जरी इज अनसाइंटिफिक ये चीज आप पंद्रह बीस साल के बाद में सुनेंगे मगर आज मैं आपको बता रहा हूं कुछ समय बाद भी सुनेंगे एक्चुअली पंद्रह बीस साल के बाद तो ये स्टेब्लिश हो जाएगा दस साल पांच दस साल में ही आपको सुनने को मिल जाएगा तो हार्ट का इश्यू है क्या आपने कहा क्या बोला बहुत आसानी से किसी को किसी कंडीशन को डिफाइन किया उनकी सांस बोलती है सिंपल तरीके से इसको डिफाइन कैसे किया कि सांस फूल रही कोई भी एक्शन ले रहे हैं जोर लगा रहे हैं तो सांस फूल रही है ना ब्रेथलेसनेस हो जाता है सांस फूलती है ये इसका सही डेफिनेशन है और इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है सांस फूलने का मतलब होता है आपकी सांस रोकने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई ध्यान से सुनिए देखिए क्वेश्चन हम आंसर करेंगे एक एक करके सबका क्वेश्चन लेंगे है ना आर्थराइटिस के लिए तो ये किया था ये प्रोग्राम आर्थराइटिस के लिए है रोमोटाइड के लिए है इन्हीं सब चीजों के लिए तो है ठीक हो सकता है तभी तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ठीक हो सकता है वो आपको करना पड़ेगा तो एक कंडीशन तो ये भी है कि आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी थोड़ा एक एक्शन एक कदम उठाना पड़ेगा तो सांस फूलती है इसको कहते हैं दक्षिण बल टेक्निकल भाषा में दक्षिण बल दक्षिण बल का मतलब होता है कम से कम आपका हार्ट हेल्थ तभी ठीक रहेगा जब जितनी लंबी आप सांस खींच सकते हैं उससे कम से कम चार गुना ज्यादा आप आराम से रोक सकें मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि हार्ट के हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है एंड और ऐसे नहीं बोल रहे वी हैव मेनी केसेस एक एक बंदे को तीन तीन हार्ट अटैक आने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ स्ट्रोक आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ हॉस्पिटल नहीं लैंड किया अभी वो बंदा वेबिनार ले रहा है एक दूसरा प्रोग्राम है उसके अंदर एक लेडी है जिसको तीन हार्ट अटैक एक बारी में आए कुंभक करने की वजह से उनको कुछ नहीं हुआ तो कहने का मतलब दक्षिण बल यानी कम से कम फोर टाइम्स होल्डिंग कैपेसिटी मोर देन लेंथ ऑफ इनहलेशन इसको दक्षिण बल कहते हैं अगर ये प्रैक्टिस करने लग जाएंगे थोड़े दिनों में देखेंगे और हमारे पास ऐसे बहुत टेस्टिंग हो गया था देर वॉज अ लेडी उसकी सांस बहुत फूलती थी उसका हार्ट बता दिया था कि भाई जेक्शन फ्रैक्शन ही बहुत कम है एल हो गया है लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपेट्रोफी होगी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है और पता नहीं क्या क्या आफ्टर डूइंग कुंभ शी क्लाइंट फाइव स्टोरीज चार पांच मंजिल वो चढ़ी एक बार जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल था एक मंजिल भी चढ़ना एंड शी सेड कि मुझे लग रहा था कि मेरे साथ में बहुत तकलीफ हो जाएगी कुछ भी नहीं आई एम नॉट इवन फीलिंग लेडी हुई सेवेंटी टू ईयर्स ओल्ड वो कुंभ किया और वो हिमालय में ट्रेकिंग करके आई द थिंग इज हार्ट इज समथिंग विच रिज्यूबने रिज्युबनेट वेरी फास्ट हार्ट के लिए ना बहुत ऑल्टरनेटिव इस शरीर ने रखे हुए हैं बहुत जल्दी वो रिकवर करता है लिवर और हार्ट जो दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गन्स हैं जो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं मगर दवाई से ये कभी भी रिकवर नहीं करते इनफैक्ट दवाई ज्यादा खाएंगे तो होगा क्या कि कभी ठीक नहीं होगा बिकॉज मेडिसिन इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर एनीथिंग इन्फेक्शन के अलावा मेडिसिन से कोई बीमारी ठीक नहीं होती पिछले सौ साल का रिकॉर्ड देख लीजिए डेटा उठा के देख लो सौ साल में कोई प्रूफ ही नहीं है हार्ट हार्ट डिजीज डिजीज हैज बिकम नंबर कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड ठीक है ना तो कैसे ठीक करेंगे एक तो दक्षिण बल बताया अगर ये ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी आप इंप्रूव करते हैं तो ये बहुत आसानी से ठीक होगा दूसरी बात ये कुछ और भी चीजें हैं जो कि इस हार्ट के साथ में एसोसिएटेड होती हैं तो आपकी कंडीशन जैसी भी हो अगर मल्टीपल इश्यूज़ हैं आपको तो आप अपना नंबर छोड़िए। get इन टच विथ यू दे लास्ट ऑल द problems, एंड देन विल कम टू a कंक्लूशन विच प्रोग्राम इज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर यू उसके हिसाब से हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम जो बेस्ट होगा आपके लिए वो वहां पे भेजेंगे मगर क्या हम अगर वाल लग चुका है तो क्या यह हेल्प करेगा जिनको वाल लगा है जिनको स्टेंट लगे हैं उनके लिए कंपल्सरी होना चाहिए कंपल्सरी इट विल रिड्यूस द फ्यूचर रिस्क इट विल एम्पावर द हार्ट इट विल इन्श्योर दैट इट डजेंट गेट इन टू अदर कॉम्प्लिकेशन्स आपकी लाइफ अगर आपको लंबी करनी है और हेल्दी करनी है क्वालिटी अच्छी करनी है तो कुंभक करना ही पड़ेगा